तो फ्रेंड्स यहाँ पे वाकई में आपके सीएससी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी और आप सीएससी में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और बहुत जल्दी आप सीएससी आईडी ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरी तरीके से वॉच करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि वीडियो भगा भगा के देख रहे हैं आप या फिर आधी वीडियो देखते हैं और दूसरे वीडियो पे मूव कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको ये वीडियो पूरी तरीके से 100% इस वीडियो को वॉच करना है ताकि आप सीएससी में रजिस्ट्रेशन कर पाए। काफी ज्यादा सर्च और रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट आए मेरे पास। कमेंट देखने के बाद मैं काफी ज्यादा दंग रह गया और मैं ये सोचने लगा फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो सीएससी का रजिस्ट्रेशन कभी क्लोज ही नहीं हुआ। पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, चैनल में जाने के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये वीडियो है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद आप लोगों के बहुत सारी क्वेरी आई हैं। कोड इनवैलिड बताता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे अपने कोड को टाइप करते हैं और अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं, देखिए इनवैलिड एसएसजी कोड, ये आपको इनवैलिड शो करता है। ये पहली क्वेरी आपकी। एंड सेकंड है एसएसजी रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, यानी कि इस वेबसाइट पे जब हम आते हैं, ये वेबसाइट मैंने पहले ही ओपन करके रखा हुआ था। फ्रेंड्स मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, काफी कम समय में ज्यादा कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप गूगल पे ओनली पीएम ईजीपी लिख देंगे तो आपके सामने यही वेबसाइट आएगी, सबसे टॉप पे ऊपर यही आएगी। तो यहाँ पे दो टाइप्स के एप्लीकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एंड यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नॉन इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपकी ये क्वेरी है, बहुत सारी क्वेरी है, इस पे करीब 200 से ज्यादा कमेंट्स आए मेरे पास। एसएचजी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये क्वेरी आपकी दूर होगी। और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारी क्वेरी आई है मेरे पास। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल के लिए बहुत कम आई है। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस टाइप के अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे एसएससी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, ये नॉन इंडिविजुअल के लिए है। अगर आप दो तीन जने मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करके आप एक अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ये पहला ऑप्शन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के लिए बहुत सारी क्वेरी हैं। और यहाँ पे बात करते हैं डिसेबल की है। तो अगर आप विकलांग हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना है ताकि आप सीएससी के अंदर खोल सकें, ठीक है। और आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, आपको इस वीडियो के लास्ट में एंडिंग में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन मैंने चूज करके रखा है, आप जरूर देखिए अच्छे तरीके से। और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स ये चार टॉपिक्स हैं आपके, देख लीजिए ये चार टॉपिक्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं सेकंड और थर्ड की, रजिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन यहाँ से इजीली हो जाता है, किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप अपने ब्राउजर को क्लीन क्लियर कैच करके आप ट्राई कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। इसे हम क्लिक करते हैं, इस पे इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा, चलिए इसको भर लेते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये एक ग्रामीण यानी रूरल क्षेत्र को डेवलप करने के लिए ये संस्था बनाया गया है ताकि रूरल क्षेत्र डेवलप हो सके और गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ पे आपको देखिए अपना आधार नंबर डालना है 12 डिजिट का, श्री श्रीमती कुमारी मिसेज, एंड यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। देन यहाँ पे स्पॉन्सरिंग एजेंसी आपको चूज करना है, अगर आप शहरी से हैं तो DIC आप चूज करेंगे, अदरवाइज आप कोई से भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गांव से हैं KVIC एंड KVIB, इन दोनों में से कोई से भी चूज कर सकते हैं, आपको DIC चूज नहीं करना है, DIC इज ओनली फॉर अर्बन। स्टेट में यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, मैं यहाँ पे उत्तराखंड चूज कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो आपके स्टेट में जहाँ भी PMEGB प्रोग्राम का ऑफिस होगा वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। किसी किसी स्टेट में दो दो ऑफिस होते हैं, तीन तीन ऑफिस होते हैं, मेरे स्टेट में एक ही ऑफिस शो कर रहा है, वो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में शो करता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस फोन नंबर पे आप बात कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है ईमेल, यहाँ पे ईमेल करके भी आप अपनी क्वेरी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए और CSC के अंदर आप बहुत जल्दी पा सकते हैं। मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपका एज शो करेगा। देन यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपको चूज करना है, जनरल है, OBC है, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC ST, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। मैं यहाँ पे OBC, देन यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी इफ एनी, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे फिजिकली चैलेंज पे चूज कर लेना है, अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल रहने देंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन से हमें ये महसूस होता है कि हमें अच्छे से अच्छा कंटेंट लाना चाहिए आपके लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 8th, अंडर 8th, हाई
हाई स्कूल, ट्वेल्थ, जो भी आप हैं अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। 10 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो सकता है। और अगर आप 8वीं क्लास से ऊपर हैं, 12वीं क्लास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पे 25 लाख तक का लोन सैंक्शन हो सकता है, यानी बैंक की तरफ से 25 लाख का लोन भी आपको मिल सकता है अगर आप PMEGP के तहत किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भर देना है, यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको टाइप कर देना है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको अपना ब्लॉक चूज करना है, जो भी आपका ब्लॉक होगा डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक चूज हो जाएगा। चेंज कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आपको अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है, पैन नंबर डालना है आपको यहाँ पे। देन यहाँ पे यूनिट लोकेशन चूज करेंगे, रूलर, एंड यहाँ पे आप यूनिट एड्रेस चूज करेंगे। देखिए अभी आपने कम्युनिकेशन एड्रेस चूज किया था और आपको यहाँ पे यूनिट एड्रेस चूज करना है, तो कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस टू यूनिट एड्रेस। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और यूनिट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा टोटल। अगर आपका चेंज है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यूनिट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, PMEGP प्रोग्राम को रन करेंगे, एक सेंटर होगा। यहाँ पे टाइप एक्टिविटी आप चूज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, आप किस टाइप्स का अपना वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप PMEGP में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो PMEGP में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। किसी भी टाइप्स का आप बिजनेस कर सकते हैं, PMEGP में वही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जिनको छोटा या बड़ा कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है जिसके थ्रू लोगों को वर्क दे सके। PMEGP ऑनलाइन EDP ट्रेनिंग है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करके ट्रेनिंग सेंटर देख सकते हैं। आपके स्टेट में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे एक ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको चूज करना है टाइप ऑफ एक्टिविटी, आपका जो बिजनेस है उसका कैटेगरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है और ट्रेडिंग है। तो मैं यहाँ पे सर्विस चूज करता हूँ और इस पे जब क्लिक करूंगा तो इसके सब कैटेगरी निकल आएंगी और इनमें से मुझे चूज करना है कि मेरी सब कैटेगरी क्या है। 100 से ज्यादा कैटेगरी है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे जो भी आप वर्क करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सीमेंट ब्लॉकिंग चूज करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिटेल में आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, स्टार मार्किंग नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने EDP ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू कुछ प्रशिक्षण लिया है, आपने ट्रेनिंग ली है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करके देखता हूँ आगे क्या ऑप्शन आता है। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर नेम देना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने EDP का ट्रेनिंग किया ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है इस सर्विस के बारे में। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट आप बता सकते हैं, जैसे कि मैं 5 लाख यहाँ पर टाइप करता हूँ। देन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको टाइप करना है, यानी आप अपने पास से कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कितने लोगों को वर्क दे रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाना है, 5, 8 या 10 जो भी होंगे आप टाइप कर सकते हैं। IFSC कोड आपको अपना बैंक चूज करना है, फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक, किस बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे अपने हिसाब से आप चूज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आप ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपने शहर को चूज कर लेंगे, मैं इसे चूज कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना अल्टरनेटिव बैंक डिटेल दे देना है, अगर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एग्रीड करना है, इसको एक्सेप्ट करना है एंड सेव कंटिन्यू डाटा पे क्लिक करना है आपको। तो एक छोटा सा पॉपअप ओपन होगा आपके सामने, इसको ओके करना है। देन अगले स्टेप में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, अपलोड ऑल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास एक मैसेज आएगा और आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा PMEGP प्रोग्राम का, इस टाइप से मैसेज आएगा ताकि आप बाद में लॉग इन करके, देखिए यहाँ पे लॉग आउट और क्लोज का ऑप्शन है। अगर आपका फॉर्म बीच में रुक जाता है, अटक जाता है, कहीं पे फंस जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर नहीं होते हैं, इस टाइप के 6 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते हैं तो आप बाद में लॉगिन करके फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं या फिर अपने प्रोफाइल में कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी सहूलियत मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका सारा डाटा शो करता है, आपका आधार नंबर और पैन सब कुछ डिटेल यहाँ पे शो करता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास कोई वर्क चल रहा ऑलरेडी तो उसका समरी यहाँ पे दे सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बात कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करते हैं चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अपलोड फोटो पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास एक रेड कलर की पट्टी दिख रही है, मैक्सिमम 1 MB होना चाहिए, इससे ज्यादा का होगा तो अपलोड यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको पहले अपने फोटो को रिसाइज कर लेना है, देन यहाँ पे चूज करना है, ये मेरा 40 KB का है,
इसे मैं अपलोड पे आपको क्लिक करना है, रिकॉर्ड सक्सेसफुल सेव, देन यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेकंड डाटा को अपलोड करना है। तो मेरे केस में पॉपुलेशन सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, इसके लिए मेरे तहसील से अप्लाई करना होगा, वहाँ से लेना होगा कि मेरे क्षेत्र की पॉपुलेशन कितनी है। आपको अपने पंचायत की पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी, जो भी आपके पटवारी होंगे वहाँ से पॉपुलेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन यहाँ पे फाइनल सबमिशन में आपको आना है। फाइनल सबमिशन में जैसा आप क्लिक करेंगे तो आपका डाटा इस तरीके से दिखाई देगा, फाइनल सबमिशन फेल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये तीन अपलोड्स नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप फाइनल सबमिशन कर पाएंगे। जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो उससे पहले आपके सामने डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस द एप्लीकेशन फाइनली सबमिटेड टू स्पॉन्सरिंग एजेंसी, यानी जब आप अपने डाटा को फाइनली सबमिट कर देंगे तो किसी भी तरीके की आप एडिट नहीं कर पाएंगे बाद में, इसलिए जब आप सबमिट करें तो ध्यान से देख के सबमिट करें। फ्रेंड्स बात करते हैं SSG कोड इनवैलिड क्यों बताता है। अगर आप CSC केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे SSG कोड इनवैलिड बताता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपके पास जो भी SSG कोड है उसको अपने डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव कराना होता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि एप्लीकेशन मैंने अभी बताया आपको, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो आप अपने स्टेट में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और वहां से अपने SSG कोड को, यानी उसको एक्टिव कराना होगा आपको, तब जाके वो SSG कोड यहाँ पे वैलिड होगा। और अगर आप फ्री में SSG कोड के साथ अपना CSE में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप अपने गांव के SSG ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां से उस कोड को एक्टिव करा के CSE सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन यहां से फ्री में हो जाएगा। जिनके नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ठीक है, तो उनसे आपको जाके रिक्वेस्ट करना होगा, रिक्वेस्ट करके कोड लेंगे आप, कोड लेने के बाद एक्टिवेशन करा लेंगे, आपका काम हो जाएगा, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होगी। बात करते हैं डिसेबल पर्सन की। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के चक्कर में पड़ना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्च कीजिए अपने गाँव में, यहाँ पे आने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉन्टेक्ट कीजिए और अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को अप्रूव कराइए। इस चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में CSE की ऑपरेटर आईडी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे जो टीम है वो मुझे बार बार यही मोटिवेट कर रहे हैं कि जो विकलांग हैं अगर उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बाकी अभी इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं किया है क्योंकि आईडी अभी कम पड़ रही हैं, 10 आईडी नहीं हो पाई हैं। अभी मेरे पास 8 CSE की ऑपरेटर आईडी हो चुकी हैं। तो अगर आप एक ऑलरेडी CSE वाली हैं तो आप अपनी आईडी को दे सकते हैं हमारे थ्रू, किसी विकलांग यानी जो फिजिकली डिसेबल हैं उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने ऑपरेटर आईडी देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में किसी डिसेबल पर्सन को आप प्रोवाइड कर दीजिए। आपकी जो आईडी का स्टेटस होगा वो काफ़ी गवर्नमेंट की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऑपरेटर आईडी अगर आप फ्री में दे देते हैं किसी भी भाई को तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास 8 ऑपरेटर आईडी अभी फ़िलहाल में हो चुकी हैं, मैं 10 के इंतजार में हूँ। जिस दिन मेरे पास 10 हो जाएगी मैं यहाँ से अपने चैनल के थ्रू गिव अवे वो दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आपको किसी न किसी टाइप की हेल्प मिलती रहती है। तो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कीजिए। आपके कमेंट के बेस पे मेरे टॉपिक्स तैयार होते हैं, तो कमेंट कीजिए, अपना सजेशन दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।